हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। 3 जून की न्यूज फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ न्यूज है। इन न्यूज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे ऑलरेडी मैंने फेसबुक पे पेज पे और साथ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए थे, जिसको कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले करंट अफेयर्स देखेंगे और उस करंट अफेयर्स के बेस्ड जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन के भी आंसर को देखेंगे क्या आंसर है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेरी पूछने के लिए। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है जो कि करंट अफेयर्स के लिए है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, 2020 प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर के बनाई गई है, जिसमें 12 टेस्ट है और इस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू वांट। करंट अफेयर्स देखें तो सबसे पहली करंट अफेयर्स आती है हमारी कोरोना वायरस से रिलेटेड। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के द्वारा। इन्होंने कहा है कि देखिए काफी ज्यादा इकोनॉमी इस समय क्रम्बल डाउन कर रखी है, पूरे विश्व की ग्लोबल मंदी आ रखी है, जिसमें से नियरली 60 मिलियन लोग आगे जाकर के एक्सट्रीम पॉवर्टी को फेस कर रहे होंगे। इसमें साथ में इन्होंने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, उसमें रिलीज करते हुए ये बोला गया कि जितनी भी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब इनको ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो भी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अभी लगातार गिरती ही जाएगी क्योंकि इस समय ग्लोबल स्लोडाउन आ रखा है। इस ग्लोबल स्लोडाउन के कारण से नियरली 60 मिलियन पीपल जो होता है वो गरीब हो जाएंगे और इस एस्टिमेट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड को रिवाइव करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने एज पार्ट ऑफ सजेशन या एज पार्ट ऑफ फीडबैक आप ये बोल सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि देखिए पॉलिसी हमें कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि डेब्ट ट्रांसपेरेंट और साथ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली हो, जैसे कि इंडिया इस समय कर रहा है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, हमें फास्टर मोड में डिजिटल कनेक्टिविटी की ओर जानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना पड़ेगा पुअर के लिए और इस तरीके से इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद द सोसाइटल बेनिफिट्स इन दोनों को मर्ज करके हमें तब आगे चलना पड़ेगा तो इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगी। इसमें बेस जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन काफी सीधा सा क्वेश्चन था। पहली तो स्टेटमेंट सीधे सीधे न्यूज से निकाल दी गई थी जहां पर जो हमारी इमर्जिंग मार्केट है उसको वल्नरेबल दिखा दिया गया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में जो बोला गया है ये बेसिक नॉलेज को लेकर के रखा गया है, जहां पर वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया गया है कि पहले ये IBRD हुआ करती थी और वो लोन और ग्रांट वगैरह पुअर कंट्रीज को दे रहे होते हैं ताकि वो कैपिटल डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अपना कर सके। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक देखिए वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर जरूर है लेकिन वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में बेसिकली ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनी हुई थी, IMF बना था, तो यहां पर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ये रॉन्ग हो जाएगी। आंसर आपका हो जाएगा इसका A1 and 2 केवल करेक्ट हो जाएगी। आगे अगर बात करें तो देखिए कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी रिसेंट में काफी ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बॉर्डर के बारे में। तो देखिए बॉर्डर इलाका ये आपका इलाका आ जाता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है। इस इलाके में अगर बात करेंगे तो देखिए ये इलाका 2 अलग अलग डिस्प्यूट्स लेकर के रखा है। जैसे ये जो इलाका है यहां पर इस तरीके से मार्शी एरिया है जो कि सर क्रीक का इलाका और ये डिस्प्यूटेड रीजन हो जाता है, और साथ में आपको पता ही है कि ये जो रीजन है POK रीजन ये भी डिस्प्यूटेड रीजन है जिसको पाकिस्तान ने कब्जे में लेकर के रखा हुआ है। तो ये हो जाती है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिस्प्यूटेड बाउंड्री हो जाती है। दूसरी बाउंड्री होती है इंडिया और चाइना के बीच की। इंडिया और चाइना के बीच में देखेंगे तो अक्साई चीन इस पार्ट को लेकर के डिस्प्यूट है और यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना करके रखा गया है। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हालांकि इशू तो तवांग का भी इस रीजन का भी आता है लेकिन फिलहाल वो हमारे ही कब्जे में हमारे हिस्से में, लेकिन जो ये अक्साई चीन का पार्ट है इस चाइना ने इसको हथियार रखा है, तो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है। तीसरा रीजन आजकल जो न्यूज में काफी ज्यादा बना हुआ है वो है काला पानी डिस्प्यूट का, जो उत्तराखंड में यहां पर लिपुलेख पास के पास में पड़ जा रहा होता है, तो ये नेपाल का रीजन आ जाता है और इस तरीके से यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आ जा रहे होते हैं। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करने को था, जहां पे देपसांग प्लेन जो कि एक्चुअल में अक्साई चीन में पड़ती है, लेकिन ये अक्साई चीन का मतलब है कि ये जम्मू कश्मीर नहीं ये लद्दाख UT में आ जाता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। बाकी जो लिम्पीदूरा है ये UK में पड़ रहा होता है, हाँ बिल्कुल पड़ रहा होता है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग बोलेंगे
बॉर्डर डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और नेपाल का, बट हम लोग इसे अपने अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं। तवांग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। बाकी तामू जो होती है ये मणिपुर में बॉर्डर एरिया पे पड़ती है, लेकिन ये इंडिया का विलेज नहीं है। तामू विलेज जो है वो म्यांमार का विलेज है, और इंडिया और म्यांमार के बीच का यही एक प्लेन रीजियन होता है जहां पर बॉर्डर से कह लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर सामान की आवागमन की जा रही होती है। तो ये स्टेटमेंट अगेन गलत हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनकरेक्टली मैच बताना था, तो वन और फोर ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए एमएसपी डिक्लेयर किया गया है कई सारे खरीफ क्रॉप के लिए, तो हमें एमएसपी किस किस क्रॉप के लिए किया गया है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमएसपी के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है। तो एमएसपी जो फिलहाल दिया गया है वो पैडी के लिए कॉमनली इंक्रीज किया गया है, वन ये रेट है, लेकिन रेट हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बाकी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही होती है एमएसपी, यानी ये काम किया जा रहा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट होता है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये बेसिकली डिक्लेयर कर रही होती है। लेकिन ये डिक्लेयर करने से पहले इनको रिकमेंडेशंस मिलती है, और रिकमेंडेशंस मिलती है कहां से, सीएसईपी पे, और सीएसईपी का मतलब क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। तो ये जो सीएसईपी है बेसिकली ये इनको रिकमेंडेशन देती है कि क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है, दीज आर नॉट द बाइंडिंग रिकमेंडेशंस, और अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट को करना होता है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्शन ले रही होती है। एमएसपी के बारे में बात करें तो देखिए टोटल 22 क्रॉप ऐसी होती हैं जिनका एमएसपी डिक्लेयर किया जा रहा होता है। इस 22 क्रॉप में अगर बात करें तो लगभग 6 क्रॉप जो होती हैं वो रबी की होती हैं, 14 क्रॉप जो होती हैं खरीफ की होती हैं, और बाकी 2 कमर्शियल क्रॉप्स हो जा रही होती हैं जैसे रबर वगैरह हो गई। यहां पर अगर बात करें तो देखिए सीरियल्स के टोटल 7 क्रॉप्स हैं, जैसे वीट हो गई, पैडी हो गई, बाजरा हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, मेज हो गया। पल्सेस में अगर बात करें, दाल में बात करें, तो ये कुछ 5 तरीके के दालें होती हैं जिसको एमएसपी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और सिमिलरली ऑयल सीड तेल के लिए भी, तिलहन की भी फसल को इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं आप कि इसको भी एमएसपी इसका डिक्लेयर किया जा रहा होता है। तो ये होती है जो एमएसपी है। एमएसपी अगर बात करें कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे रिकमेंड की जाती है, मतलब सीएसीपी जो है वो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर को ध्यान में रखता है जिसके बेसिस पे एमएसपी को रिकमेंड करती है, तो एमएसपी को रिकमेंड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। सोशियो मतलब सोसाइटल भी देखना होता है, फार्मर की कंडीशन भी देखना होता है, साथ में इकोनॉमिक भी देखना होता है। इकोनॉमिक देखने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई प्लस साथ में इंटरनेशनल क्या स्टेटस चल रहा है, ये बेसिकली पैरामीटर होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे नंबर वन पे बात करेंगे तो मिनिमम 50% एज मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखना होता है कि 50% मार्जिन रहे। दूसरा डिमांड एंड सप्लाई, तीसरा इनपुट प्राइस, फार्मर ने आखिर में कितना इनपुट लगाया था और उसको कितना आउटपुट दिया जाना चाहिए। बाकी इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी के भी बेसिस पे होती है, कितना मतलब मार्केट में क्या रेट चल रहा है और एमएसपी कितना दिया जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे होता है, जनरल प्राइस लेवल पे होती है, और साथ में मार्केट ट्रेंड, और लास्ट में हमारी जो भी फार्मर्स को पेड करना है उसको लेकर के हो रही होती है। बाकी इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन भी हम लोग देख ले रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ 9 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे सीएसीपी एमएसपी को डिक्लेयर करता है, या डिक्लेयर नहीं रिकमेंड कर रहा होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एमएसपी किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, तो देखिए ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा बताई जा रही होती है। सीएसईपी केवल और केवल रिकमेंड कर रही होती है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सपेंडिचर जो होती है ये बजट वगैरह निकाल रही होती है, तो आपको अगेन ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका केवल और केवल ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें अगर, तो अनलॉकडाउन कर दिया गया है, और इस तरीके से अब जो लॉकडाउन फेज चल रही थी उसको फेज वाइज मैनर में अनलॉकिंग कर दी गई है। जैसे अनलॉकिंग करने के लिए फेज वन में ये कर दिया गया है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है या जितने भी धार्मिक चीजों की जो भी सलून वगैरह है वो सब भी खोल दिया गया है। फेज टू में स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात हो रही है, और फेज थ्री में तो सब कुछ ही ओपन कर देने की बात हो रही है। लेकिन अगेन ये सारे के सारे प्रपोज्ड हैं, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है यूपीएससी से। लेकिन जो यूपीएससी से मतलब है वो ये क्वेश्चन है कि जितने भी हॉट जोन हो गए, हॉटस्पॉट हो गए, या फिर कंटेनमेंट जोन है या रेड जोन है, आखिर में ये किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, कौन बताता है? तो देखिए बताने वाली जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ये संज्ञान लेता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को डिक्लेयर करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो चीज बोलती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बाइंडिंग हो जाती है। मतलब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है हॉटस्पॉट या रेड जोन बना हुआ है तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने मन मर्जी से हटा नहीं सकती है। जब तक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो नहीं बोलेगी तब तक हटाया नहीं जा सकता है। अगर आगे बात करें, साइक्लोन निसर्ग आ रखा है और ये निसर्ग बेसिकली अरेबियन सी में डेवलप किया हुआ है। इस अरेबियन सी में डेवलप होने के कारण से जो भी यहां पर ये हमारी आ जाती है अरेबियन सी, इस अरेबियन सी में जो डेवलप हुआ है ये हिट कर रहा होता है गुजरात के कोस्ट को, साथ में महाराष्ट्र के कोस्ट को, साथ में यहां पर दमन एंड दीव भी आ जा रही होती है। इस वजह से ये जितना भी कोस्टल इलाका है काफी वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि इनकेस अगर लैंडफॉल होती है तो काफी ज्यादा डिवास्टेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये फिलहाल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुई है वो काफी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जनरेट होकर के रखी हुई है ऐसा पाया गया है। और इसके लिए जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है उस टीम को रेडी कर दिया गया और उस टीम को कह लीजिए डिप्लॉय कर दिया गया है, जिससे कि वहां पर जो भी चीजें हैं, मान लीजिए कोई कच्चा मकान है तो उस चीज को एरिया को वैकेट करा दिया गया और सही लोकेशन पर ले आ दिया गया है। ऐसा माना गया है कि ये 1891 के बाद ये पहला ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आने वाला है, तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरीके से रेडी हो रखी है। क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले बोला गया है कि यहां पर साइक्लोन जो है वो प्रपोज किया गया है थाईलैंड के द्वारा। नहीं जी, थाईलैंड के द्वारा नहीं, बांग्लादेश के द्वारा प्रपोज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी साइक्लोन जो होती है अरेबियन सी में जनरेट हो रखी है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। बाकी इट विल बी फर्स्ट साइक्लोन सिंस 1981, नहीं 1891 बेसिकली है जहां पर ये महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करेगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों ही स्टेटमेंट जो होती है इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो यहां पर एक्चुअली इनकरेक्ट होना चाहिए, दिस इज इनकरेक्ट। तो इस तरीके से बोथ ऑप्शन जो है आप यहां पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो इलेक्शन हो रही है राज्यसभा की सीटों पे, 19 जून को होनी है, दो तीन सीटें, कुछ सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर के इलेक्शन होने वाला है। तो हमारी इलेक्शन पे नहीं लेकिन राज्यसभा पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। जैसे राज्यसभा आपको पता है कि 1952 में बनी थी, इसके लिए अलग से इनका राज्यसभा का अपना अलग एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है, अपना इन्होंने बना के रखा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको मेंशन किया गया है, लेकिन इसके जितने भी मेंबर हैं और मेंबरशिप किस तरीके की है, क्या क्वालिफिकेशन से, सब के सब स्टैट्यूटरी प्रोविजन करके रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पॉलिटी के बेसिक में पढ़ी होंगी। बाकी अगर यहां पर बात करें तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शन डिक्लेयर भी करता है, इलेक्शन कंडक्ट भी करवा रहा होता है, ओपन बैलेट सिस्टम से हो रही होती है। ओपन बैलेट सिस्टम के बाद यहां पर इनडायरेक्ट मेथड यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यूज किया जा रहा होता है राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन में देख लीजिए यही चीज बोली गई है कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट मेथड से नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है, यहां पर इनडायरेक्ट मेथड से होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगी। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज बीइंग डन बाय ओपन बैलेट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, ओपन बैलेट होता है, लोग दिखा सकते हैं और दिखाने के कारण ही यहां पर शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग जा रहा होता है। तो ये डज नॉट नहीं, एक्चुअली इट डज अप्लाई इन राज्यसभा इलेक्शन, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यानी कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो केवल और केवल 2 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने एक या तीन स्कीम बेसिकली निकाल के रखी हुई है, और उस तीनों स्कीम के जरिए इन्होंने ये बोला हुआ है कि हमें काफी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। और उन तीनों स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए 48,000 करोड़ रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, इनको इंसेंटिव दे रहे हैं तीन स्कीम के जरिए। कौन सी तीन स्कीम है? पहली स्कीम है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और ये बनाई जा रही है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जरा यहां पर चीजों को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों स्कीम आपस में आपको एक जैसी ही दिख रही होंगी लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट है। यहां पर देखिए लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है। दूसरी स्कीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर को लेकर के है। तो यहां पर बेसिकली छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसके प्रमोशन की बात की गई है। तीसरे में तो पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उस क्लस्टर को ही डेवलप करने की बात कही जा रही है।
यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई मोबाइल फोन आपको मान लीजिए डेवलप करना है, तो मोबाइल फोन में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर होती है। इस सेमीकंडक्टर के बाद बेसिकली क्या होता है, इसमें सर्किट्स होती हैं। इस सर्किट्स के बाद क्या होता है, इसमें जो भी बॉडी पार्ट लगना होता है तो वो बॉडी पार्ट लग जाता है, बाकी हार्डवेयर लग जाती है। तो ये कुछ इसके कह लीजिए कि इक्विपमेंट्स होते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल बोल सकते हैं इस मोबाइल फोन के लिए। तो जो भी ये कंपोनेंट बनाए जाने हैं वो बेसिकली इस नंबर टू वाली स्कीम से बनाया जा रहा होगा, जहां पर कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर को प्रमोशन करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कही जा रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसको असेंबल करना पड़ेगा, और इस असेंबल करने के लिए जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज या जो भी इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी वो पहली स्कीम से चली जाएगी, तो यहां पर फर्स्ट स्कीम आ जाएगी। लेकिन यही असेंबलिंग अगर क्लस्टर बेसिस पे हो रही होगी, मतलब कि ग्रुपिंग में हो रहा होगा, बहुत सारे एक साथ कर रहे होंगे, तब जाकर के तीसरी वाली स्कीम लग जाएगी। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि थर्ड स्कीम जो है एक तरीके से ये पार्क टाइप का है, मतलब ये सॉफ्टवेयर पार्क बोल सकते हैं, जिस तरीके से वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क हो जाएगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बोला जा रहा है। तो कुछ क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली क्या चीज है। वन बाय वन करके अगर तीनों स्कीम को जरा फटाफट डिस्कस कर लिया जाए, तो पहली स्कीम आती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सब्सिडी स्कीम। इसमें हो क्या रहा है, इसमें होगा ये कि जितनी भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो मोबाइल फोन बना रही है, या मोबाइल फोन ही नहीं केवल और केवल, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बना रही है, उन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक चेन में, वैल्यू चेन में ले आने के लिए और उनको और प्रमोशन देने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए उनको 4-6% का बेसिकली इंसेंटिव दिया जा रहा है। इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा, जीएसटी रिटर्न में दिया जा सकता है उनको, या फिर टीडीएस में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से इंसेंटिव दिया जा रहा है, ताकि उनको जो भी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ रही है उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न आने को मिले। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि अगर हम 5 साल तक लगातार ये काम करते रहते हैं तो हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने यह टारगेट भी किया है बेसिकली मोबाइल फोन और कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए किया गया है। ऐसा कहा गया है कि देखिए, जो हमें इस समय 20-25% हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो बढ़ करके 35-40% हो सकती है इस स्कीम के बाद में। इस स्कीम को लॉन्च करते हैं तो लगभग 8 लाख जॉब हम नया क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट माध्यम से हो चाहे इनडायरेक्ट माध्यम से हो, तो किसी तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बाकी मोबाइल फोन के लिए बताया गया है कि देखिए, मोबाइल फोन पहले 18,900 करोड़ प्रोडक्शन हो रही होती थी, अब जो होता है ये देख सकते हैं कि लगभग 8-10 times ये इंक्रीज कर गया है। तो 8 times आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है केवल और केवल 4 years में। तो 4 साल में केवल और केवल इतना बड़ा एक जंप देखने को मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस तरीके की स्कीम लॉन्च की हुई है। अगली स्कीम के बारे में बात करें तो यहां पर है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, जिसको शॉर्ट में स्पेक्स भी बोला जा रहा है। यहां पर बेसिकली क्या है, सेमीकंडक्टर वगैरह को डेवलप करने की बात कही जा रही है। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहां पर सिलिकन की जरूरत होती है, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनकी जरूरत पड़ रही होती है, लेकिन हमारे यहां पर यह डेवलप नहीं हो पाता है, हमारे यहां पे अवेलेबल नहीं है। सबसे ज्यादा जो सिलिकन अवेलेबल है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा सिलिकन अवेलेबल हो पा रही होती है, और वो अवेलेबल होती है हमारी नाइजीरिया में। नाइजीरिया कहां पर है, ये पाई जा रही होती है आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो यहां पर है। इसके अलावा हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम लोग जो सेमीकंडक्टर या कह लीजिए रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और वैसे भी आजकल देख ही रहे हैं चाइना का बायकॉट चल रहा है। तो हम लोग अब खुद को सेल्फ रिलायंट करने की कोशिश पे लगे हुए हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इस तरीके से ये जो स्कीम है वो काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। यहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर या इससे रिलेटेड कंपोनेंट को लेकर के, तो हम 25% इंसेंटिव आपको देंगे, जो भी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा आपको उसमें हम 25% हिस्सा देंगे, 25% हम आपको कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट दे रहे होंगे, फायदा दे रहे होंगे। बाकी ये जो स्कीम है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर के लिए है, इसके लिए पैसा भी इसको दिया गया है, कितना, 3,285 करोड़ रुपए दिया गया है अगले 8 साल के लिए। सिमिलरली जो होती है गवर्नमेंट भी एस्टिमेट कर लिया कि अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम फोकस कर लेते हैं तो कुछ नहीं तो 6 लाख जॉब तो कहीं नहीं गई है, 6 लाख जॉब तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्ट माध्यम से बना ही सकते हैं। लास्ट में एक और स्कीम आती है, तीन स्कीम में थर्ड स्कीम आती है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो यहां पर क्या है, ग्रुपिंग कर दी जाएगी, क्लस्टरिंग कर दी जाएगी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज की, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब की बना दी जाएगी।
यहां पर इस स्कीम में बेसिकली इतना करोड़ रुपए जो होता है इन्वेस्ट किया गया है, नाम में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इस इन्वेस्टमेंट के बाद हम 10 लाख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्मेट में जॉब को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। यहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा है कि देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लगभग 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दे देंगे। इसमें इंश्योर ये करेंगे कि अगर 100 एकड़ की जमीन है तो उसमें हम लोग आपको 70 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आती है तो उसमें 50% हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे। वो लोन के भी फॉर्मेट में हो सकती है या फिर लैंड लीजिंग के भी फॉर्मेट में हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाना चाह रही है। बाकी इसके बाद से ये कहा गया कि देखिए 200 एकड़ में अगर इंडिया में बन रहा है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश करेगी कि नॉर्थ ईस्ट में भी 100 एकड़ की जमीन पर इस तरीके का जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो डेवलप हो। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए देखिए जरूरी इसलिए हो जाता है कि पहली चीज वो तो एक तो ये डिस्कनेक्टेड पार्ट हो जाती है पहली चीज, दूसरी चीज क्या है कि ये आसियान के साथ में जाने का एकमात्र सिंगल वे बन जाता है। तो एक तो हमें मार्केट भी मिल रही है और दूसरा हमारी टेरिटरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी हो जाती है। तो दोनों ही क्षेत्रों दोनों ही केसेस को अगर कंसीडर करें तो हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के एरिया को डेवलप किया जाए। तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन था वो बेसिकली बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था और करंट अफेयर्स को लेकर के ही था। यहां पर बात किया गया है कि तीन स्कीम जहां पर पैसा जो होता है 48,000 करोड़ दिया गया, तो बिल्कुल करेक्ट स्कीम है। बाकी दूसरे में बताया गया है इंडिविजुअल बेसिस पे कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, साथ में आत्मनिर्भर भारत में भी जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको लेकर के भी इंसेंटिव है। तो बिल्कुल यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी, ऑप्शन यहां पर बोथ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर बात करें एक छोटी सी गवर्नमेंट की एक छोटी सी और करंट अफेयर्स आ जाती है जो कि ब्रांड टेल स्कॉर्पिन फिश है जो बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। इस फिश के साथ खास बात यह है कि इसकी जो स्पाइन है वो विनोमिनस है, मतलब कि वो जहरीली है और ये लगातार अपना कलर बदलती रहती है। इसके कारण से ही इसको स्कॉर्पियन फिश भी बोला गया। जैसे स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है अपने पीछे जो भी उसका कह लीजिए जो पूछ होती है उसे वो डंक मार रहा होता है, सिमिलरली उसी तरीके की ये स्कॉर्पियन फिश भी है जो कि अपने स्पाइन में जिसके कह लीजिए जहर होता है और जिसके सहारे ये कह लीजिए कि जहर फैला रही होती है और अपना चेंज कलर भी कर रही होती है। ये पाई गई है गल्फ ऑफ मन्नार में। एंड दिस इज द ऑल थिंग अबाउट यू शुड नो दिस करंट अफेयर्स अबाउट दिस करंट अफेयर। करंट अफेयर्स इसके क्वेश्चन पे बेसिस बात करें तो स्कॉर्पियन फिश कहां पाई गई है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, काफी कुछ डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया जहां पर हम लोगों ने PIB, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान और साथ में इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आपको फेसबुक चैनल पर भी दे दिया जाता है और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया जाता है। इन दोनों चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फिर अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उम्मीद है कि आपको इससे काफी ज्यादा प्रीलिम्स में फायदा मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट होता है तो आप इन चैनलों को रेफर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।